नहीं है, बल्कि वैसे के वैसे लिखेंगे। ये जो बेटे जो +7 है, ये जो है कोसेंट, और कोसेंट का डेरिवेटिव होता है 0 इज इक्वल टू, ये 0 है, 0 भी कोसेंट है, तो इसका डेरिवेटिव भी आता है 0। तो बेटे ये यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 3 + 4 डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू 0। ये यहाँ पे देखें, ये 4 dy/dx वैसे का वैसे इज इक्वल टू -3, क्योंकि ये यहाँ पे 3+ का, तो इधर आके माइनस का हो जाएगा। ये dy/dx इज इक्वल टू -3/4, क्योंकि यहाँ पर फिर वो ठीक हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इधर आके 4 डिवाइड हो जाएगा। तो ये बेटे हमारे पास जो है वो आंसर आ गया है क्वेश्चन नंबर 1 का। बेटे आप हम बेटे इसी क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 2 सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। वो बेटे क्या है, xy +y का स्क्वायर इज इक्वल टू 2। xy +y का स्क्वायर इज इक्वल टू 2। बेटे अगर हम इसको सॉल्व करें तो ये बेटे क्या बन जाएगा, डेरिवेटिव लेंगे बेटे d/dx, ये xy इसका अलग लेंगे, प्लस ये d/dx इज इक्वल टू y का स्क्वायर इसका अलग लेंगे, और ये d/dx और ये 2 है इसका अलग लेंगे। तो ये बेटे हमने डिफरेंशिएट करना है। अगर हम देखें बेटे, ये है एक्स और ये है वाई, ये दोनों के दरमियान एक्चुअली ये प्रोडक्ट, तो यहाँ पर लगेगा प्रोडक्ट, और प्रोडक्ट के रूल के मुताबिक बेटे जो होता है, हम पहले को हमने छोड़ देते हैं और दूसरे का लेना होता है डेरिवेटिव, जो कि यहाँ पर वाई है, प्लस लगा के इसी दूसरे को छोड़ देते होते हैं, और डेरिवेटिव हम लेते होते हैं पहले का जो कि एक्स है, ये प्लस। तो यहाँ पर ये वाई है ना, तो यहाँ पर लगेगा पावर रूल, पावर रूल के मुताबिक ये 2 आ जाएगा पहले, फिर वाई की 2 - 1 हो जाएगा, और दोबारा डेरिवेटिव जो हमने बेटे लेना है, यहाँ पर अंदर क्या है, ये है वाई, तो ये दोबारा डेरिवेटिव में वाई हो जाएगा, और यहाँ पर जो बेटे 2 है ना, ये 2 एक्चुअली है कोसेंट, और कोसेंट का डेरिवेटिव हमेशा 0 ही याद होता है। तो यहाँ पर 2 कोसेंट 0 हो, 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, कुछ भी हो, तो वो कोसेंट यहाँ पे होता है। तो यहाँ पर ये के बेटे एक्स, ये dy/dx वैसे का वैसे, ये +y, और जो x का डेरिवेटिव होता है, और अगर हम उसको x से ही डिफरेंशिएट कर रहे हो तो उसका 1 होता है, ये +2, ये 2 में से 1 गया, 1 बचेगा, तो ये बेटे आएगा dy/dx इज इक्वल टू 0। ठीक है बेटे, बेटे अगर हम इसको यहाँ पे देखें तो ये यहाँ पर जो x dy/dx +2y/dy/dx इज इक्वल टू आएगा बेटे, ये माइनस का वाई आएगा। बट देखिए ये यहाँ पर प्लस का वाई है, तो इधर ये माइनस का वाई आएगा। यहाँ पर बेटे अब ये देखें, dy/dx यहाँ भी है और dy/dx यहाँ भी है, ये दोनों में है, दोनों में है, तो यहाँ बेटे ये dy/dx आ जाएगा कॉमन, अंदर बच जाएगा एक्स +2y, इधर बच जाएगा बेटे ये माइनस का वाई। तो आगे जाके बेटे ये हमारे पास जो है, ये एक्स +2y यहाँ पर क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर जाके ये डिवाइड हो जाएगा, तो ये आ जाएगा माइनस का वाई ओवर आ जाएगा एक्स +2y, तो ये बेटे हमारे पास जो है वो आंसर आ जाता है -y/x+2y। बेटे अब हम क्वेश्चन नंबर करते, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो बेटे जो आपका अगला क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर बेटे थर्ड, वो क्या है बेटे, वो है कहता है एक्स का स्क्वायर -4xy, एक्स का स्क्वायर -4xy
और माइनस का 5y, माइनस का 5y इज इक्वल टू 0। इसको बेटे करना है हमने सोल्व। जी बेटे कैसे करेंगे? ये एक्स का सके यार माइनस का 4xy माइनस का 5y इज इक्वल टू 0। इसका करना है डेरिवेटिव दोनों तरफ अप्लाई, डी ओवर डी एक्स, अंदर क्या हैगा एक्स का सके यार माइनस 4xy माइनस 5y इज इक्वल टू डी ओवर डी एक्स और इंटू 0। ठीक है बेटे, आगे हम डेरिवेटिव को अप्लाई अलग अलग करेंगे। यह है डी ओवर डी एक्स अंदर एक्स का स्क्वायर माइनस बेटे ये 4 आएगा बाहर क्योंकि ये कॉन्स्टेंट है। ये डी ओवर डी एक्स और ये एक्स वाई माइनस 5 आएगा बाहर क्योंकि ये भी कॉन्स्टेंट है। डेरिवेटिव आएगा अंदर वाले का जो कि वाई है और इज इक्वल टू डी ओवर डी एक्स इज इक्वल टू 0 वैसे का वैसे। जी बेटे, बेटे आपको पता है जो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव होता है वो होता है 2x क्योंकि पावर रूल के मुताबिक। ये माइनस का 4 आ गया बाहर, अंदर बेटे अगर हम देखें तो ये एक्स और वाई के दरमियान यहाँ पर लग रहा है प्रोडक्ट रूल, और प्रोडक्ट रूल के मुताबिक बेटे हमने पहले को छोड़ देना है, छोड़ दिया। डेरिवेटिव लेना है दूसरे का जो कि डी ओवर डी एक्स और साथ में आएगा वाई, प्लस इसी वाई को छोड़ देना है और डेरिवेटिव लेना है हमने पहले का जो कि एक्स का है। ठीक है बेटे, इसके बाद ये माइनस 5 वैसे का वैसे, और जो डी वाई और डी एक्स भी वैसे का वैसे इज इक्वल टू 0 क्योंकि बेटे क्यों? क्योंकि 0 है कोसटेंट और कोसटेंट का डेरिवेटिव हमेशा 0 ही आता है। तो ये बेटे क्या है, ये 2x वैसे का वैसे आ गया माइनस के 4 अंदर ये एक्स, ये डी वाई ओवर डी एक्स बन जाएगा प्लस का वाई, और बेटे डी एक्स ओवर डी एक्स का डेरिवेटिव जो एक्स का डेरिवेटिव होता है वो होता है 1। ठीक है बेटे, तो आगे ये क्या है माइनस का 5 डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट बेटे देखिए तो ये है 2x 4 के अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये बन गया 4x डी वाई ओवर डी एक्स प्लस 4y माइनस 5 डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू 0। ठीक है बेटे, इसके बाद बेटे अगर हम देखें तो क्योंकि हमने वैल्यू मालूम करनी है डी वाई ओवर डी एक्स ये, तो ये देखें बेटे ये माइनस का 4x डी वाई ओवर डी एक्स ये भी वैसे के वैसे, माइनस का 5 डी वाई ओवर डी एक्स वैसे, मीन कि ये भी और ये भी वैसे के वैसे। ये इधर प्लस का 2 है, इधर आके माइनस का 2 बन जाएगा, और ये इधर है बेटे प्लस का 4 है, इधर आके माइनस का 4y बन जाएगा। यहाँ से बेटे डी वाई ओवर डी एक्स को ले लें कॉमन, तो ये आ जाएगा डी वाई ओवर डी एक्स कॉमन आ गया, अंदर क्या बचेगा माइनस का 4x माइनस के 5 इज इक्वल टू बेटे यहाँ पे आ जाएगा माइनस के 2x माइनस का 4y। तो यहाँ से बेटे हम देखें क्योंकि हमने इसकी वैल्यू को मालूम करना है डी वाई ओवर डी एक्स को, तो ये चीज़ इधर मल्टीप्लाई हो रही है उधर जाके डिवाइड हो जाएगी, ये क्या होगा डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू माइनस के 2x माइनस के 4y, और नीचे क्या है बेटे नीचे है माइनस के 4x माइनस के 4x और माइनस के 4x माइनस के 5। अब बेटे माइनस है माइनस है लें दोनों दोनों जाने से कॉमन। जी बेटे जब हम कॉमन लेंगे तो ये ऊपर आ जाएगा माइनस कॉमन लेंगे आ जाएगा 2x+4y आएगा 2x+4y, और नीचे भी माइनस कॉमन ले लें ये क्या आ जाएगा 4x+5। तो माइनस माइनस हो गए बेटे कैंसल,
तो जो हमारे पास आंसर आएगा वो आएगा टू टू एक्स प्लस 4 वाई ओवर आएगा बेटे 4 एक्स और प्लस का 5। तो ये बेटे हमारे पास आ गया इसका आंसर। बेटे अब हम क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट करते हैं। जी बेटे अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर 4। ये बेटे ये पार्ट इतना ही इम्पोर्टेंट भी है बेटे, इसको गौर से समझना है। और वो ये है कि बेटे 4x² + 2hxy 4x² + 2hxy plus by² + 2gx plus 2fy +z = 0। ठीक है बेटे, इसको हमने करना है सोल्व। 4x² + 2hxy + b² + by² + 2gx + 2fy + c = 0। जी बेटे देखते हैं इसके बेटे ले लें डायरी। बेटे ये डी ओवर डी एक्स इंटू क्या है 4x² + 2hxy +by² + 2gx + 2fy + c = dy/। ये बेटे dx/= आ जाएगा 0। जी बेटे अब बेटे अब हमने बेटे इन सब के साथ डेरिवेटिव को अलग अलग करना है, मीन के इस डेरिवेटिव को इसके साथ भी करना है, इसके साथ भी, इसके साथ भी, इसके साथ भी, इसके साथ भी, और इसके साथ बेटे सबके साथ। लेकिन क्वेश्चन को अलग अलग निकालते जाएंगे। देखिए बेटे ये लिख लिया मैंने डी ओवर डी एक्स अंदर x² लेकिन बेटे ये जो 4 है ना इस 4 को निकाल दिया बाहर क्योंकि ये कोस्टेंट है। यहाँ से देखिए बेटे ये 2h है कोस्टेंट, तो डेरिवेटिव बेटे हमने ले लिया डी ओवर डी एक्स अंदर लिख लिया एक्स और वाई प्लस बेटे बी को निकाल लिया बाहर क्योंकि ये कोस्टेंट है। डेरिवेटिव डी ओवर डी एक्स अंदर ये वाई के स्क्वायर का आ गया बेटे। प्लस हमने ये 2g को निकाल दिया बाहर और डेरिवेटिव हमने ले लिया डी ओवर डी एक्स और ये एक्स का। आगे बेटे हमने ये 2f को निकाल दिया बाहर और जो डेरिवेटिव ले लिया वो हमने ले लिया वाई का। और बेटे आगे जो c है ये तो है ही c, ये डी ओवर डी एक्स और अंदर हमने डेरिवेटिव ले लिया किसका c का। और इज इक्वल टू बेटे जो 0 है 0 का डेरिवेटिव 0 ही होता है। देखते हैं बेटे इसको क्या करना है आगे। ठीक ये जो है ना 4 ये वैसे का वैसे ये जो x² है ये x² का डेरिवेटिव होता है बेटे 2x आपको पता है, ये +2h वैसे का वैसे। और बेटे ये है x और y, x और y में बेटे जो आपने करना है यहाँ पर लग रहा है प्रोडक्ट रूल। तो प्रोडक्ट रूल में बेटे हमने क्या करते हैं x पहले को छोड़ लेना है और डेरिवेटिव लेना है दूसरे का जो कि डी ओवर डी एक्स आएगा, प्लस दूसरे को छोड़ देना है और डेरिवेटिव लेना है पहले का जो कि एक्स आएगा। देखिए बेटे ये +b तो आ गया बाहर। आगे बेटे ये है वाई का स्क्वायर, वाई के स्क्वायर बेटे क्योंकि ये वाई है ऊपर है स्क्वायर, जब स्क्वायर है तो इसका मतलब ये है कि इसकी ये पावर है और पावर रूल लगेगा पावर रूल बेटे ये 2 आ गया पहले वाई ये 2 - 1 और दोबारा डेरिवेटिव लेते हैं अंदर वाले फंक्शन का जो कि डी वाई ओवर डी एक्स आएगा। ठीक है बेटे आगे ये क्या है बेटे ये है 2g
एक्स का डेरिवेटिव बेटे होता है 1, आगे है 2f, और ये है बेटे डी वाई ओवर डी एक्स। बेटे आगे है सी, सी का जो डेरिवेटिव, सी का मतलब है कोस्टेंट, और कोस्टेंट का डेरिवेटिव होता है 0 इज इक्वल टू 0। आगे बेटे इसको यहाँ से देखें तो ये 4 2 ज़्यादा आ गया 8x प्लस 2 एच, अंदर क्या है एक्स डी वाई ओवर डी एक्स प्लस वाई, ये एक्स के बेटे 1 आएगा, जो कि यहाँ पर 1 मैंने चले लिख देता हूँ। ये प्लस क्या है 2 BY है, क्योंकि ये बेटे ये 2 BY, क्योंकि वाई की है 2 - 1 तो वो वाई ही आएगा, साथ में आएगा डी वाई ओवर डी एक्स, ये आएगा बेटे प्लस 2G1, नहीं लिखते, आगे आएगा 2F और साथ में आएगा डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू 0। अब बेटे जिनके साथ, अच्छे बेटे अब 2H को अंदर मल्टीप्लाई करते हैं तो ये क्या बन जाएगा 8X प्लस 2HX डी वाई ओवर डी एक्स प्लस आएगा 2HY, आगे क्या आएगा 2BY डी वाई ओवर डी एक्स प्लस 2G प्लस 2F डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू 0। अब बेटे आपने ये जो डेरिवेटिव है ना, ये वाले, ये और ये, इनको एक साइड पे करने देखें, ये क्या है, ये है 2HX डी वाई ओवर डी एक्स प्लस 2BY डी वाई ओवर डी एक्स प्लस 2F, ये वाला डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू बेटे, ये प्लस का 8X है, ये माइनस का 8X आएगा, ये प्लस का 2HY है, ये माइनस का 2HY जाएगा, ये प्लस का 2G है, इधर आके ये माइनस का 2 जाएगा, ठीक है बेटे, ये माइनस का 2 आएगा। आगे बेटे देखें इनमें से, ये डी वाई ओवर डी एक्स को बेटे आपने लेना है साहब में से कॉमन, तो ये क्या है डी वाई ओवर डी एक्स को कॉमन लेंगे तो अंदर क्या आएगा 2HX प्लस 2BY प्लस 2F, इधर क्या है बेटे, यहाँ से बेटे अगर आप लें, अच्छा ये माइनस 8X माइनस 2HY माइनस 2G, तो ये क्या है डी वाई ओवर डी एक्स वैसे क्या वैसे, इधर ये बेटे जाके हो जाएगा, हाँ सॉरी, इज इक्वल टू ये क्या है माइनस का 8X माइनस के 2HY माइनस के 2G, इधर जाके ये बेटे डिवाइड हो जाएगा क्या, ये वाला 2HX प्लस 2BY और प्लस 2F। बेटे अगर आप और देखें इसमें जो 2 आ रहा है कॉमन, माइनस 2 कॉमन ले लें तो अंदर क्या आएगा बेटे 4X प्लस HY और ये प्लस G आएगा, नीचे बेटे 2 कॉमन आ रहा है, क्या आएगा HX प्लस BY और बेटे प्लस आएगा F, 2 2 से हो गए बेटे कैंसिल, तो जो आंसर आ गया वो क्या है माइनस 4X प्लस HY प्लस G ओवर आएगा बेटे HX प्लस BY और प्लस का
एस। ये बेटे आपके पास जो है हमारा आंसर आ गया है, ये आएगा डी वाई ओवर डी एक्स। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। तो बेटे जो इसके बाद है क्वेश्चन नंबर टू का, क्वेश्चन नंबर टू का बेटे पार्ट जो बेटे जो हैं 5 और 6, 5 और 6 बेटे ये दोनों क्वेश्चन जो हैं ये हैं सेम। तो लिहाजा मैं आपको करवा रहा हूँ 6 से 1, आपने करना है खुद 6 बेटे मैं करवा रहा हूँ। तो वो क्या कहता है, वो कहता है वाई इंटू एक्स का स्क्वेयर -1 इज इक्वल टू एक्स अंडर रूट क्या है बेटे, एक्स का स्क्वेयर +4, एक्स का स्क्वेयर +4। तो ये बेटे हमारा बात है क्वेश्चन, इसको अब हमने करना है सॉल्व। जी बेटे, बेटे इसको हम सॉल्व करते हैं तो यहाँ पर वही रूल लग जाएगा क्या, जो कि इक्वेशन रूल है, दोनों जने ले लें डेरिवेटिव। ये क्या है बेटे, डी ओवर डी एक्स अंदर क्या है वाई इंटू एक्स का स्क्वेयर -1, इधर भी बेटे लेना है डी ओवर डी एक्स डेरिवेटिव एक्स इंटू एक्स का स्क्वेयर +4। ठीक है बेटे जी, इसको आगे क्या करना है बेटे, यहाँ पर लगेगा प्रोडक्ट रूल। और प्रोडक्ट रूल क्या होता है बेटे, प्रोडक्ट रूल में देखें पहले को छोड़ देना, ये देखें जैसे मैंने छोड़ दिया, और डेरिवेटिव लेना है आपने दूसरे का जो कि एक्स का स्क्वेयर -1 है, दरमियान में लिखना है प्लस, इसी को छोड़ देना है जो कि एक्स का स्क्वेयर -1 है, और डेरिवेटिव लेना है बेटे आपने पहले का जो कि वह है। ये बेटे होता है प्रोडक्ट रूल, ये प्रोडक्ट रूल होता है इज इक्वल टू। बेटे यहाँ पर भी लगेगा प्रोडक्ट रूल, इस प्रोडक्ट रूल के मुताबिक आपने पहले को छोड़ देना है, ये मैंने एक्स को छोड़ दिया, डेरिवेटिव लेना है आपने दूसरे का डी ओवर डी एक्स जो कि क्या है एक्स का स्क्वेयर +4 का ये अंडर रूट है, प्लस इसी को छोड़ लेना है एक्स का स्क्वेयर +4 का अंडर रूट। और जो बेटे आपने जो डेरिवेटिव लेना है वो लेना है ये डी ओवर डी एक्स, जो डेरिवेटिव आपने लेना वो लेना है पहले का जो कि यहाँ पे एक्स है प्लस। आगे बेटे देखें तो ये तो हो गया वाई, तो ये जो एक्स के, अब हम एक्स स्क्वायर का अलग डेरिवेटिव लेंगे और वन का अलग लेंगे। जब हम एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव लेंगे तो ये आएगा बेटे 2x-, बाकी जो जब हम वन का डेरिवेटिव लेंगे तो बेटे जो वन है ये तो है कोस्टेंट, और कोस्टेंट का डेरिवेटिव हमेशा होता है 0, तो ये यहाँ पे 0 लिख देंगे। ये क्या बेटे प्लस ये एक्स का स्क्वायर -1 वैसे का वैसे, ये क्या है डी वाई ओवर डी एक्स भी वैसे का वैसे इज इक्वल टू बेटे ये क्या है, ये है एक्स और ये जो डेरिवेटिव है डी ओवर डी एक्स अंदर क्या है एक्स का स्क्वेयर +4^1/2। देखें बेटे जो अंडर रूट है ना ये इसकी 1/2 बन गई, प्लस एक्स का स्क्वेयर +4 ये वैसे का वैसे, और ये जो आगे एक्स का डेरिवेटिव है ना ये वाला एक्स के बेटे इस एक्स की वजह से 1 होंगे जो कि हम लिखते नहीं है, कि ये लिख भी दें इसको लगा दें बेटे मल्टीप्लाई, ये क्या बन गया, ये बन गया 2xy, 2xy प्लस ये एक्स का स्क्वेयर -1 साथ में क्या है डी वाई और ये डी एक्स इज इक्वल टू बेटे ये क्या है एक्स। जी बेटे ये एक्स के साथ अगर हम आगे देखें बेटे तो यहाँ पर कौन सा रूल लग रहा है, तो अगर हम देखें तो ये है फंक्शन, ये फंक्शन क्या है पावर, तो पावर रूल लगेगा, उस रूल के मुताबिक जो पावर होती है वो आ जाती है पहले, और ये जो एक्स का स्क्वेयर +4 ये वैसे का वैसे पावर में से एक कर देते हैं कम, और जो दोबारा डेरिवेटिव लेते हैं वो लेते हैं बेटे जो अंदर वाला ये वाला फंक्शन होता है, ये है एक्स का स्क्वेयर
प्लस 4। और ये बेटे अगला क्या है, अंडर रूट एक्स का स्क्वायर प्लस 4 बेटे। वैसे के वैसे बेटे एक बात मैं आपको फिर कह रहा हूँ कि जो पावर रूल है, प्रोडक्ट रूल है, डिवीजन रूल है, ये मैंने एक्सरसाइज 2.3 में करवा दिए हैं। वो आप उस वीडियो का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। जस्ट अब उस वीडियो का थोड़ा सा स्टार्ट देख लें, 5 4 मिनट, तो आपको ये इन चार रूल्स का पता चल जाएगा कि ये रूल्स क्या होते हैं। ये क्या बेटे, ये क्या है 2xy प्लस ये है एक्स का स्क्वायर माइनस 1, और ये क्या है डी वाई ओवर डी एक्स वैसे का वैसे इज इक्वल टू। बेटे हम देखें तो ये है एक्स, अंदर क्या है, ये है 1/2, ये है एक्स का स्क्वायर प्लस 4 की पावर। बेटे ये बचेगा माइनस का 1/2, क्योंकि देखे बेटे ये प्लस का हाफ है, ये माइनस का 1 है, तो ये माइनस का हाफ बचेगा यहाँ बेटे। जो ये है ना एक्स स्क्वायर, अच्छा अब हमने डेरिवेटिव लेना है इन दोनों का, तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव आएगा 2x, जबकि जो 4 है इसका डेरिवेटिव, ये तो कॉन्स्टेंट, इसका आ जाएगा 0। और ये जो बेटे अगला है एक्स का स्क्वायर प्लस 4, ये भी वैसे का वैसे ही लिखेंगे। तो ये क्या बेटे, ये है 2xy प्लस एक्स स्क्वायर माइनस वाई एक्स स्क्वायर माइनस 1, ये क्या है डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू। अगर हम बेटे देखें तो ये वाला 2 इस 2 से हो गया कैंसल, क्या बेटे अभी ये देखें, ये एक्स और ये एक्स हो गया आपस में मल्टीप्लाई, जो कि एक्स का स्क्वायर बन गया। अब नीचे देखें बेटे, ये क्या है एक्स का स्क्वायर ये प्लस 4, ये 1/2 बन गया। देखो बेटे यहाँ पर 1/2 किसका था, माइनस का था, यहाँ पर आके 1/2 प्लस का हो गया नीचे आके, जबकि 2 2 से कट गया, और ये एक्स और ये एक्स एक्स का स्क्वायर बन गया। आगे बेटे चलें तो ये है एक्स का स्क्वायर प्लस 4 का अंडर रूट, बेटे ये होल का अंडर रूट, ये वैसे का वैसे आएगा। तो अगर हम इसको मजीद देखें तो ये 2xy प्लस एक्स का स्क्वायर माइनस 1, ये वैसे का वैसे डी वाई ओवर ये डी एक्स वैसे का वैसे, ये एक्स का स्क्वायर ओवर एक्स का स्क्वायर प्लस 4 का अंडर रूट बटे, ये भी वैसे का वैसे ये स्क्वायर है, और ये प्लस एक्स का अंडर रूट प्लस 4, ये भी वैसे का वैसे। अब बेटा आपने करना ये है, इन दोनों में से आपने ये लेना है एलसीएम, क्या लेना है एलसीएम, जो कि क्या आएगा एक्स का स्क्वायर प्लस 4 का अंडर रूट, ये बेटे आ गया एलसीएम में। जब जो बेटे एलसीएम होगा ये नीचे वाले के से हो जाएगा कैंसिल, ये एक्स का स्क्वायर वैसे का वैसे आ जाएगा प्लस बेटे ये एक्स का स्क्वायर प्लस 4, एक पहले से है एक ये, वो नीचे वाले हो गए तो ये स्क्वायर मान के जाओगे, जो कैंसिल हो जाएगा, ये बेटे क्या बन गया एक्स का स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर प्लस 4 बन गया। जो बेटे नीचे है ये एक्स का स्क्वायर प्लस 4, इधर बेटे ये तो वैसे के वैसे चलता आ रहा है, क्या कि ये 2xy प्लस एक्स का स्क्वायर माइनस 1, ये क्या है डी वाई ओवर डी एक्स, ये क्या है 2xy प्लस एक्स का स्क्वायर माइनस 1 डी वाई ओवर डी एक्स। यहाँ पर बेटे करने के बाद इसको देखें, ये बेटे ये एक्स का स्क्वायर माइनस 1, और ये क्या है डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू। बेटे ये एक्स स्क्वायर और ये एक्स स्क्वायर क्या बन गया, ये बेटे बन गया 2x का स्क्वायर प्लस 4, और ये बन गया बेटे एक्स का स्क्वायर प्लस 4। ठीक है बेटे,
जी बेटे, अब ये 2xy इधर किसका है बेटे? ये है प्लस का, तो इधर आके ये माइनस का 2xy बन जाएगा। अब हम बेटे इसको आगे पेज पे कंटिन्यू करेंगे। पहले तो मैं इसी को लिखता हूँ क्या, किसको? एक्स का स्क्वायर माइनस वन, साथ में है डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू है 2x का स्क्वायर प्लस 4, नीचे है x का स्क्वायर प्लस 4 का अंडर रूट, और ये है माइनस का 2xy। तो ये तो बेटे मैंने बिल्कुल पिछले का पिछला लिख दिया, इसमें कोई तब्दीली भी नहीं की क्योंकि मैंने पेज चेंज किया, तो इसलिए लिख दिया बेटे। अगर हम यहाँ पर देखें बेटे, क्वेश्चन के मुताबिक हमारे पास जो क्वेश्चन दिया गया था, ये वाला जो क्वेश्चन था वो क्या था? वाई इंटू एक्स का स्क्वायर माइनस वन इंटू इज इक्वल टू एक्स आगे इंटू अंडर रूट एक्स का स्क्वायर प्लस 4। तो मैं इसी को यहाँ पे लिख रहा हूँ, किसको बेटे? वाई इंटू एक्स का स्क्वायर माइनस वन इज इक्वल टू है एक्स इंटू एक्स का स्क्वायर प्लस 4 और ये होल के ऊपर अंडर रूट आ गया। अब बेटे यहाँ से अगर मैं वाई की वैल्यू को निकालना चाहूँ तो कैसे निकाल सकता हूँ? ये है एक्स अंडर रूट एक्स का स्क्वायर प्लस 4, ये यहाँ भी बेटे ये क्या हो रहा है, एक्स का स्क्वायर माइनस वन इधर आके डिवाइड हो रहा है। अब बेटे ये हमारे पास आ गया वाई की वैल्यू जो कि हमने क्वेश्चन से निकाली। इस वाई की वैल्यू को बेटे हमने पुट कर देना है इधर ऊपर में। तो देखिए बेटे ये क्या बन जाएगा, ये एक्स का स्क्वायर माइनस वन टू डी वाई ओवर डी एक्स, ये बेटे ये मैंने वैसे के वैसे लिख दिया, इज इक्वल टू 2x का स्क्वायर प्लस 4 भी वैसे के वैसे। नीचे आ जाएं बेटे, ये क्या है एक्स का स्क्वायर प्लस 4, ये भी वैसे के वैसे, ये माइनस का 2, ये एक्स भी वैसे वैसे। अब बेटे ये है वाई, अब इस वाई की जगह में मैं इसकी वैल्यू को पुट कर देता हूँ जो कि ये एक्स है, ये है एक्स का स्क्वायर प्लस 4 और नीचे है ये एक्स का स्क्वायर माइनस वन। ठीक है बेटे, इसको आगे बेटे अगर हम करना है तो कैसे करेंगे? ये एक्स का स्क्वायर माइनस वन, ये क्या है डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू बेटे ये 2x का स्क्वायर प्लस 4, नीचे है एक्स का स्क्वायर प्लस 4 का अंडर रूट, रूट ये बेटे क्या है माइनस के 2 एक्स का स्क्वायर। बेटे अगर हम इसको मल्टीप्लाई करें तो चलिए इसको वैसे लिख लेते हैं, ये क्या है एक्स इंटू है एक्स का स्क्वायर प्लस 4 और नीचे क्या है बेटे, ये है एक्स का स्क्वायर माइनस वन है जी बेटे। अब हमने बेटे करना ये है कि इसको नीचे अलग अलग लिख दें। चलें जी बेटे, आप इन दोनों का नीचे ले लें एलसीएम, या फिर जब इसका और इसका एलसीएम। बेटे क्या आएगा, एक्स का स्क्वायर प्लस 4 का अंडर रूट, ये भी एलसीएम में आ गया, और दूसरा क्या है एक्स का स्क्वायर माइनस वन, ये भी एलसीएम में आ गया। आप बेटे देखें ये और ये एलसीएम से कट गए, ऊपर क्या है ये है 2x का स्क्वायर प्लस 4 वैसे का वैसे, और साथ में आएगा ये एक्स का स्क्वायर माइनस वन वैसे का वैसे। बेटे ये क्या है, ये है माइनस 2x का स्क्वायर क्योंकि ये माइनस 2x और ये एक्स का स्क्वायर बन गया। बेटे ये क्या एक्स स्क्वायर माइनस वन, एक्स स्क्वायर माइनस वन से हो गया कैंसिल, तो बाकी क्या बचा, ये एक्स का स्क्वायर प्लस 4, एक ऑलरेडी है, एक ये जाएगा तो ये इसका स्क्वायर बन जाएगा जी बेटे। अब इसको कर लेते हैं मल्टीप्लाई बेटे, एक्स स्क्वायर को इस एक्स स्क्वायर से करेंगे तो ये आ गया 2x की 4 बन गया,
फिर 2x² को -1 से करें तो ये -2x² बन गया। फिर 4 को x² से करेंगे तो ये +4x² बन जाएगा, +4x² और ये -4 बन जाएगा। ठीक है बेटे, ये क्या बेटे, ये है 2x², ये इसे कैंसिल हो गया अंडर रूट स्क्वायर से, तो अंदर क्या बच गया x² + 4। तो नीचे क्या बेटे, नीचे वैसे के वैसे अब लिख लेते हैं क्या, x² + 4 और इंटू है x² -1। ठीक है बेटे, इसको आगे हम बेटे कैसे करेंगे, ये 2x³ माइनस, अब बेटे देखें ये -2x² है, ये +4x² है, तो यहाँ पर जो हमारा आंसर बचेगा वो बचेगा +2x² -k4। अब इसको अंदर मल्टीप्लाई करने, ये बन जाएगा -k2x³ और बन जाएगा -8x². ठीक है बेटे, नीचे बेटे जो हमारे पास आंसर आ जाएगा वो है x² +4 वैसे का वैसे, और ये है x² -1, ये भी बेटे हमारे पास वैसे का वैसे। अब बेटे हम मजीद करने देखें, ये 2x² प्लस का है, ये 2x² ये माइनस का, ये कैंसिल हो जाएंगे। ये बेटे ये 2x² प्लस का, ये 8x² माइनस का, यहाँ से बचेगा 6x² -4, और नीचे है बेटे x² +4 इंटू है x² -1। तो यहाँ से बेटे आगे -2 को कॉमा लेना चाहे ले लें तो भी ठीक है, ना ले तो भी ठीक है। यहाँ से बेटे -2 आ गया कॉमन, अंदर क्या बचेगा बेटे, ये बचेगा 3x² +2 बच जाएगा, और नीचे है बेटे ये x² +4 का अंडर रूट और इंटू बच जाएगा x² -1। तो ये बेटे जो हमारे पास ये आ गया आंसर। तो बेटे मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ आ गई ही होगी, क्योंकि ये क्वेश्चन थोड़ा लेंथी था इसलिए थोड़ा टाइम लग गया।